पल्लवी आज बहुत खुश थी। उसकी कक्षा के सारे बच्चे पिकनिक जा रहे थे, पूरी बस में शोर हो रहा था। उसकी अध्यापिका आज डांट नहीं रही थी। अचानक उसकी बस एक रेलवे फाटक पर आकर रुकी। अप्रैल का महीना था, दोपहर का समय था। तभी एक आइसक्रीम बेचने वाला गीत गाता आया, गर्मी आई गर्मी आई, खा लो ठंडी दूध मिलाई, कुल्फी खा लो और गर्मी में ना बैठो मौन। सब लोग रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे थे। स्कूटर पर बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ बैठा था। उसने पापा से कहा, पापा आइसक्रीम। पापा ने उसको उसकी बात अनसुनी कर दी और बच्चे को डांटते हुए कहा, तू दोबारा आइसक्रीम का नाम मत लेना। उसके बाद कुछ लोग एक मोटर कार से उतरे, उसमें एक बच्चा भी था। उसने भी अपनी मम्मी को आइसक्रीम वाले की ओर इशारा किया। उसकी मम्मी ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उस बच्चे को चुप कर दिया। इतने में रेलगाड़ी आई और चंद क्षणों में फाटक से गुजर गई। पल्लवी की बस भी फाटक करके पार करने दौड़ने लगी। पल्लवी ने मन ही मन सोचा कि मम्मी पापा बच्चों को आइसक्रीम क्यों खाने नहीं दे रहे। पल्लवी से रहा नहीं गया, उसने अपनी अध्यापिका से पूछा, मैम क्या आइसक्रीम बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं होती है? अध्यापक हंसी और बोली, आइसक्रीम तो कोई भी खा सकता है, मैं भी खाती हूँ। पल्लवी ने पूछा, मैम फाटक पर जो बच्चे थे उनके मम्मी पापा ने आइसक्रीम क्यों नहीं दी रहे? अध्यापिका बोली, पल्लवी वहां की आइसक्रीम अच्छी नहीं थी, उसमें गंदे पानी से बने हुई बर्फ थी। अगर बच्चे उस खाते तो उनका गला खराब हो जाता और वे बीमार हो जाते। पल्लवी बोली, मैम हमें कौन सी आइसक्रीम खानी चाहिए? अध्यापिका ने उत्तर देते हुए कहा, सबसे अच्छी आइसक्रीम वह होती है जिसे हम स्वयं बनाते हैं और सफाई का पूरा भी ध्यान रखते हैं। या फिर आप अच्छी कंपनियों की आइसक्रीम भी खा ले सकते हैं, जिनमें आइसक्रीम बनाते समय सफाई शुद्ध का पूरा ध्यान रखा जाता है। हाँ थोड़ी महंगी जरूर होती है, लेकिन नुकसान नहीं करती है। पल्लवी ने पूछा, मैम आइसक्रीम कैसे बनती है? मैम ने हंसकर उत्तर देते हुए कहा, पहले दूध गर्म करके खूब उबालो, फिर उसे ठंडा करके उसमें सूखे मेवे और सभी चीजें फ्रीजर में रख दो। बीच बीच में एक दो बार फेटो और फिर जमने के लिए रख दो। आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी, बस फिर लो आइसक्रीम का आनंद। अब उनकी बस वाटर पर पहुंच चुकी थी। सब बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पल्लवी ने मैम का धन्यवाद किया और देखते ही देखते वो अपने बच्चों में हो गई। ये बार आपको पाठ न पढ़ना है आइसक्रीम।